और बनारस से मोदी जी को टक्कर देने गए थे, लेकिन वहाँ से भी नामांकन रद्द हो गया। उनके साथ लगातार दो साल से जो साथ में चलने वाला इंसान है दीपक जी, हम दीपक जी से बात करेंगे, हमारे साथ में है। तेज बहादुर यादव के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कैसा इंसान है और सही में जो वीडियो अभी वायरल हुआ था उसमें कितना सच्चाई है। दीपक जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कितना साल हो गए जब आप तेज बहादुर यादव जी के साथ रहते हुए, कितना साल हुआ? जी मैम, पहले तो आपको थैंक यू कि आपने मेरा न्यूज़ लिया, और मैं आपको बता दूं कि मैं तेज बहादुर जी के साथ लगभग दो साल से हूं, और मैंने उनके साथ पूरे प्रोग्राम किए हैं जब से उनका डिसमिस हुआ है। उसके बाद जब वो निकले तो उन्होंने ये कोशिश की कि अब मैं निकल तो चुका हूँ तो मुझे अब आंदोलन करने हैं और मुझे न्याय लड़नी है, सैनिकों के लिए लड़ना है। तो उन्होंने अपने कोशिश जारी रखी और निकलने के बावजूद उन्होंने धरने रखे, दो तीन धरने उन्होंने जंतर मंतर पे ही रखे। उन्होंने कोशिश की कि हम सैनिकों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, बेटर कर सकें, लेकिन फिर उनको लगा कि क्योंकि फाइनेंस बहुत बड़ा इशू होता है, तो उनको लगा कि एक संस्था बनाई जाए जिस संस्था के माध्यम से सभी सैनिक, बहुत सारे सैनिक हैं जो अपनी बातें कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि संस्था बनाई जाए। और संस्था बनाने के बावजूद हम उसमें जितने भी जो मेंबर हैं वो वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन कर सकें, अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और अपना थोड़ा सा डोनेशन दे सकें, क्योंकि हमें अगर हम धरना करते हैं या कोई भी चीज़ें करते हैं तो उनके लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तब हमने ये सोचा था कि हम ये संस्था खोलेंगे, और ये हमने संस्था खोली तो उसमें जो सबसे बड़ा मुख्य किरदार रहे वो हमारे पंकज शर्मा जी रहे, जिन्होंने कि ये हेल्प की। उस समय जैसे मुझे भी तेज बहादुर वैसे तो नहीं जानते, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने बात की, उनको लगा अच्छा कि चलो कोई मेरी हेल्प कर रहे हैं, और वो भी एक सिंपल सैनिक है, मैं भी एक सिंपल व्यक्ति हूँ, तो उन्होंने सोचा कि यार अगर दीपक मेरी हेल्प कर रहा है तो बुरा क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम संस्था खोलते हैं। संस्था उन्होंने, पंकज शर्मा ने, उनके बहुत सहायक रहे तो उनको लगा कि ठीक है, क्योंकि वो हरियाणा से हैं तो उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में खोलूँगा तो शायद यहाँ कोई सैनिक ना आ पाए, अगर अच्छा है कि यहाँ मैं खोलता हूँ, दिल्ली में अगर कोई मेरी हेल्प कर रहे हैं तो अच्छा है। जबकि ऑलरेडी पंकज शर्मा भी पुलिस से डिसमिस चल रहे हैं, उन पर भी केस चल रखा है, तो उन्होंने फिर भी तेज बहादुर जी ने खुद ना अध्यक्ष बन के, मतलब पंकज शर्मा की वाइफ को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, मुझे मीडिया प्रभारी का पद दिया। उन्होंने खुद इतना संवैधानिक पद जो है, अगर हमारे उसमें कहा जाए तो कल को हो सकता था कि उसमें करोड़ों रुपए आ सकते थे। अगर हमारे 20 लाख जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं, अगर वो 10 रुपए भी देते हैं तो 2 करोड़ रुपए आते हैं। तो उन्होंने फिर भी ये नहीं सोचा कि मतलब इस पद को नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक विश्वास किया, ट्रस्ट किया पंकज शर्मा पे, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने, पंकज शर्मा ने कहीं ना कहीं वो चीज़ फ़ायदा उठाना चाह, तो उन्होंने उनको ड्रिंक करवाई, ड्रिंक करवा के उनको ज़बरदस्ती बुलवाया। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब तक वो ड्रिंक नॉर्मल करते हैं तो उनको जब तक होश रहता है तो वो खास नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही उनको ओवर ड्रिंक हो जाती है तो पंकज शर्मा उनको ज़बरदस्ती बुलवा रहा है कि आप मोदी जी को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो कहने का मतलब ये ओवर ड्रिंक की वजह से होता है। अगर नॉर्मली कोई और जगह पे होता या होश में वो बोलते या वो प्रोग्राम करते, एक ड्रिंक करने का जो दौरान था वो 2 या 3 घंटे के दौरान वो वीडियो बनाई गई, जबकि वीडियो जो क्लिप हैं वो 2-2 मिनट की हैं, कुल मिला के 5-6 मिनट की वो क्लिप होंगी। वो क्लिप आज की डेट, उसके बाद जो है उन्होंने मतलब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था तेज बहादुर को, ताकि जितने भी पैसे आए सस्ता में वो पैसे मेरे पास आए, पंकज शर्मा मतलब खुद रखे, ताकि मैं ब्लैकमेल करूं। ब्लैकमेल करूंगा तेज बहादुर को तो तेज बहादुर डर जाएंगे। तो तेज बहादुर को ये चीज़ें थोड़ा सा अजीब सी लगी कि मैंने तो तुम पर ट्रस्ट किया था और आपने मतलब ट्रस्ट की जगह मतलब मुझे ही फंसाने लगे। तो उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ के, मतलब उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पंकज शर्मा ने पुलिस में जो है कंप्लेंट करवाई, तो तेज बहादुर ने कहा कोई बात नहीं, उस पर केस होगा, मैं देख लूँगा वो जो भी है। उसके बाद कंप्लेंट में पेशी हुई, 2-3 दिन पुलिस ने उनका सारा कुछ मैटर चेक किया, तो उसमें पाया गया कि निर्दोष हैं और ड्रिंक ओवर ड्रिंक करवा के, ये कोई ऐसा केस है नहीं कि वो क्रिमिनल केस कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी प्लानिंग होती है वो एक सिक्योर जगह पे होती है, होश में होती है, इस तरह से ड्रिंक करके कोई नहीं करता। और फिर पंकज शर्मा वो जो उनको खुद प्रमोट कर रहा है और आप बाद में उनको ये सब केस कर रहा है, ऑलरेडी पंकज शर्मा पर केस चल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने जो आज भी जो वीडियो वायरल हुई हैं वो 2 साल पुरानी है। आज उनको पता था
कि तेज बहादुर का नामांकन रद्द हो चुका है, तो किसी भी तरीके से तेज बहादुर का नाम और बदनाम किया जाए। और मुझे लगता है कि शायद अगर नामांकन हो चुका होता तब भी ये यूज किया जाता, फिर और भी नाम बदनाम किया जाता। तो कुल मिला के तेज बहादुर का नाम मतलब एक बदनाम किया जा रहा है। मैं खुद 2 साल से जुड़ा हूँ, मेरी विदेश जॉब भी लग रखी थी, मेरा योगा सेंटर था पहले, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो विदेश में जॉब करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 70,000 या 80,000 मुझे तेज बहादुर दे सकते हैं। फिर भी मैंने 2 साल तक उनकी संस्था में काम किया, बिना पैसे के काम किया। और मैं आपको ये बता दूँ कि तेज बहादुर जी ने कभी भी नहीं कहा, मुझे फोर्स नहीं कहा। मैंने दिल्ली में भी अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ी, उन्होंने कहा दीपक यार तुमने मेरी बहुत हेल्प की। 6 महीने तक मैं उनके साथ रहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि दीपक यार तुम अपना जॉब देख लो, कोई बात नहीं हमारे साथ कुछ। मैंने फिर भी ये सोचा कि नहीं सर, आप मेहनत करो, डटो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक दिन बेनिफिट होगा ज़रूर। और हमने जो ये पूरी राजनीति कर रखे थे, हमने पूरा प्लानिंग कर रखा था कि कहीं ना कहीं से हम कुछ सीट निकालते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ बनते हैं, तो शायद हमें आने वाले टाइम में हमें बेनिफिट हो सकता है, हम जवानों की आवाज़ को जनता तक बता सकते हैं। मैंने दिल्ली में भी अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ी, उन्होंने कहा दीपक यार तुमने मेरी बहुत हेल्प की। 6 महीने तक मैं उनके साथ रहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि दीपक यार तुम अपना जॉब देख लो, कोई बात नहीं हमारे साथ कुछ। मैंने फिर भी ये सोचा कि नहीं सर, आप मेहनत करो, डटो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक दिन बेनिफिट होगा ज़रूर। और हमने जो ये पूरी राजनीति कर रखे थे, हमने पूरा प्लानिंग कर रखा था कि कहीं ना कहीं से हम कुछ सीट निकालते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ बनते हैं, तो शायद हमें आने वाले टाइम में हमें बेनिफिट हो सकता है, हम जवानों की आवाज़ को जनता तक बता सकते हैं। अभी आपको मैम थोड़ा जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 3 साल के दौरान 1200 से ज़्यादा अर्धसैनिक बल सुसाइड और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से मर जाते हैं। मतलब तो आप सोचिए कि शहीद उतने नहीं होते, उसका 15 गुना ज़्यादा जवान वैसे मारे जाते हैं। तो ये रिपोर्ट भी आई है गवर्नमेंट की, लेकिन अर्धसैनिक बल की कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही कुछ था, हमने मतलब कोशिश कर रहे हैं, आगे क्या होता है। जो वीडियो वायरल हुए थे, अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, तो वो वीडियो 2 साल पुराना है। बिल्कुल मैम, वो 2 साल पुराना है और वो अभी वो जानबूझ के किया गया है, और बीजेपी आईटी सेल ने उसे मतलब लगे हाथों मतलब एक बदनाम करने की जो कोशिश होती है वो किया है, और वो अभी चल रहा है। लोगों की नज़र में तेज बहादुर एक नेगेटिव के हैं, लेकिन मैं आप युवा है, आप अपना जॉब छोड़ के सैनिकों की हेल्प करना, ऐसा क्यों लगा कि आप बिना पैसे से आप उनका हेल्प कैसे कर पाएगा, कब तक? नहीं मैम, मुझे ये लगा था जिस हिसाब से सैनिकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे लगता है कि सैनिक पैसे देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कितनी ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं कि लोकसभा लड़ना भी होता तो दरअसल में हमारा एक जब पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं तो सैनिक अपने आप ही फंड दे सकते हैं। हमारे पास 20 लाख अर्ध सैनिक बल हैं। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, मैं सैनिकों के लिए लड़ रहा हूँ। और अगर आप सैनिक अगर हम खड़े हो चुके होते, जैसे हमने संस्था बनाई तो लोगों ने पैसा देना शुरू किया, सैनिकों ने फंड देना शुरू किया, लेकिन बीच में अगर पंकज शर्मा आ गए, उन्होंने हम पे लांछना लगाई, तो हमें 2 महीने के बाद वेबसाइट बंद करनी पड़ी, ऑनलाइन डोनेशन बंद करना पड़ा। तो उसके वो हमें मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि पंकज शर्मा ने हमें ब्लैकमेल किया। तो फंडिंग देने के लिए सैनिक पूरे हैं, सैनिकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है हमें फंडिंग के पैसा ज़रूरत है ही नहीं, सैनिकों के पास पैसे की भी कमी नहीं है, उसके साथ साथ हौसला का भी कमी नहीं है। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है अगर कोई सैनिक 50 या 100 रुपये दे देगा तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ जाता है। और अगर 20 लाख अर्धसैनिक बल के लिए हम लड़ रहे हैं तो हमारे पास तो करोड़ों रुपए आ सकते हैं अगर हम नॉर्मली भी डोनेशन की बात करें। तो फंडिंग की कभी इशू ही नहीं रहा, बस ये रहा कि किसी भी तरीके से हम ट्रैक में चले जाएं और हमारी बात जो है आगे बढ़ जाए तो हम उसके फाइट कर सकें। संस्था का नाम क्या था सर? फौजी एकता कल्याण न्यायमंच। अभी संस्था का अभी आगे का क्या योजना है? यादव जी से हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आप उनके साथ लगे हुए हैं, साथ में रहे हैं, और अभी तो उनका नामांकन भी रद्द हो गया है और सब कुछ सामने है, वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन आप पर्सनल उनको जानते थे, हम जानना चाहेंगे कि आगे का क्या योजना है, थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं? देखिए मैम, आगे हम यही चाहते हैं कि अभी हम फाइट करेंगे, और अगर नामांकन रद्द हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाइट नहीं करेंगे। सैनिकों का हौसला हमारा हमेशा रहेगा, और
सस्ता बंद नहीं हुई है, हमने सिर्फ डोनेशन लेना बंद कर रखा है, वेबसाइट वगैरह बंद करके, इसका मतलब सस्ता बंद नहीं है। बस हम वर्क कर रहे हैं, और अभी जो हमारे साथ जो प्रोग्राम जो अभी जो कैंसिल हुआ है तेज बहादुर जी का, वो थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन ऐसा नहीं है, फाइट हम करेंगे और आगे हम लड़ते रहेंगे। आप बिना जॉब से, बिना पेमेंट से आप कब तक रहेंगे? अभी जॉब ढूंढ रहे हैं या अभी भी आप इन्हीं के साथ में हैं? अब तो जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो ये था कि हमें लग रहा था कि हो ही जाएगा, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा और टाइम लगेगा, शायद ये गवर्नमेंट की दबाव था, नहीं तो मुझे लगता है कि जॉब एक बड़ा इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास इतना है टाइम है, मैं अभी कोई कि मैं कर सकता हूँ इतना इन्वेस्ट। लेकिन बीच में मैं जॉब कर रहा था, लेकिन मुझे किसी कारणवश छोड़ना पड़ा। कारणवश यही कि मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ अर्धसैनिक बल के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है, जॉब तो हमने हमेशा ही करनी है, तो इसमें कोई मैटर नहीं कि दो चार महीने अगर हम छोड़ भी देते तो कोई बुरी बात नहीं थी। आपका कहना है कि आप सैनिकों के साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे मैम, हम तो कोशिश करेंगे, बाकी सैनिकों का सपोर्ट है उसकी वजह से हमें, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सब लोग सैनिकों पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन सैनिकों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई सिविल अपनी जॉब छोड़ के लड़ सकता है, सभी यही सोचते हैं कि हम जय माता भारत माता की जय, ये बोलना बहुत आसान है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, लेकिन रियल में फाइट करना बहुत बड़ी बात है। कंडीशन ख़राब है तो आप हमें बाई लिफ्ट पहुंचा दीजिए, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनकी सुनी नहीं और उनको मतलब वैसे ही जो गाड़ी से जाना पड़ा, और सिक्योरिटी भी पूरी नहीं थी, तो गलती थी गृह मंत्रालय की। और उसके बाद जब वो शहीद हो जाते हैं या वो RDX जो पहुँचता है वो बम ब्लास्ट होता है, तब उसके बाद आज जो है हमारे गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि पुलवामा में शहीद हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि शहीद हो गए उनके नाम पे हमें वोट दो, लेकिन सोचने वाली वो बात ये कि वो शहीद कहाँ पे हुए, क्योंकि वो ना तो लड़ रहे थे दुश्मनों से, ना ही वो बॉर्डर पे थे, वो केवल जा रहे थे, और आपने उनकी सिक्योरिटी ले रखी थी। आपको पता है चुनाव का माहौल है, आपको पता है कि वहाँ जो है राज्यपाल शासन लागू है, आपको पता है कि ये सारा कुछ आपके हाथ में है, सरकार के हाथ में, और फिर भी आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, वहाँ की कंडीशन कैसी हैं, ये सब कुछ सरकार को पता था, लेकिन फिर भी सरकार ने वो चीज़ें नहीं की। तो ये सिर्फ राजनीतिकरण उनका यूज हो रहा है सेना का, और सेना इसी तरह यूज करण हो रहा है। मैं यही कहता हूँ कि लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अपनी देशभक्ति जगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि रियल में कोई देशभक्ति करता है, अगर करता होता तो मुझे लगता है कि आज सरकार उन लोगों की बात सुनती। मैं कहता हूँ कि सेना में जो जवान शहीद हो रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं भाई, सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है कि सरकार का इतना दबाव है, अफसरशाही इतनी ज़्यादा वो है। अगर राशन की बात कही थी कि वो क्रिमिनल केस नहीं है, अगर तेज बहादुर ने खाने की बात कही थी तो कहीं से भी क्रिमिनल केसेस नहीं होता। उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि भाई मोदी जी कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे, लेकिन मोदी जी ने उनको डिसमिस किया, अपनी ID, ईमेल ID, पासवर्ड तक देने के लिए रेडी है। वो बताओ कि कौन बंदा अगर वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो इतना ट्रस्ट करते होंगे तभी वो इतना सब कुछ कर पाए, और अगर आज उन पर केस होता है तो कल को मैं भी उनकी ID से कुछ और किसी को मैसेज कर देता हूँ तो कल को तो मुझ पर भी उन पर ही क्लेम आएगा, मुझे तो कोई नहीं पकड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वो बहुत ट्रस्टेबिलिटीज़ है, उनको राजनीतिकरण से फंसाया गया है, कहीं पे भी जगह होती है, वरना कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता। और मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं उनसे जुड़ा उनकी हॉनेस्टी की वजह से, उनके जो बातचीत है, साहस है, उसकी वजह से जुड़ा, वरना फौजी बहुत सारे संगठन है, लेकिन उनका साथ जो रहा वो बहुत अच्छा रहा और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मुझे भी लगा कि मुझे सैनिकों के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, अपने लिए तो सभी देते हैं। अभी आपने 2 साल दे दिया है, उसके बाद भी क्या आप जॉब मिलने के बाद भी आप टाइम दे पाएंगे इनके साथ? हाँ मैम, अब तो मुझे लगता है कि हमने 70-80% काम कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ 20% काम है, उसके लिए मुझे खाली रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जॉब कर सकता हूँ और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने बाहर की जॉब, आपका कहना है जॉब भी करेंगे और इस संस्था के साथ भी देंगे? बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारे सैनिकों के हित के लिए कुछ अच्छा होता है तो जॉब कोई बड़ी इशू नहीं है, हम वो सारा चीज़ कर लेंगे। हमें कभी डेली तो हमें धरने नहीं रखने, कभी कभार रखने, उसमें कोई मैटर नहीं करता। कुछ है तिरंगा कमान के लिए और कुछ है हमारी मातृभूमि की शान के लिए। इनका कहना है कि दीपक जी जो यादव जी के साथ 2 साल से लगे हुए हैं, वही यादव तेज बहादुर यादव, आपको तो याद होगा ही, और उनके बारे में हम लोगों ने जाना है, लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। और दीपक जी हमारे साथ में थे, इनका कहना है कि यार जब तक इनके साथ से रहेंगे, जब तक ये चाहे जॉब भी करें लेकिन तब भी सैनिकों के लिए कुछ करेंगे। हमारा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फेसबुक
या व्हाट्सएप में सैनिकों की सहानुभूति दिखाए कि हम उनके साथ में हैं, लेकिन कुछ करना भी है। ये दीपक जी हमारे साथ में थे, इनका कहना है कि सैनिकों के लिए कुछ ये जरूर करेंगे, चाहे वो जॉब लगे या ना लगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।